जयपुर में एक प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका का मर्डर कर दिया। शोर शराबा सुनकर बचाने आए भाई की भी आरोपी ने हत्या कर दी। मर्डर के बाद युवक थाने पहुंचा और पुलिस को बोला कि मैंने दोनों को मार दिया है, जाकर लाश उठा लो। और ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। मौके पर पहुंची तो खून से सने भाई बहन के शव पड़े थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला शहर के सदर थाने इलाके के हसनपुरा का है। आरोपी 32 वर्षीय गुलशन हसनपुरा में ही रहता है। वो यहाँ की रहने वाली पूनम से प्यार करता था। गुरुवार सुबह 6:30 बजे के करीब गुलशन पूनम के घर पहुँचा। इस दौरान पूनम के माँ बाप काम पर चले गए थे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुलशन ने पूनम के गले पर वार कर दिया। एक के बाद एक वार से पूनम अचेत हो गई। बहन की चीख सुनकर उसका भाई सोनू भी नींद से जग गया। आरोपी ने सोनू पर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी और हत्या के बाद चाकू वहीं फेंक कर मोहल्ले में आ गया और घूमने लगा। इसके बाद वो सदर थाने पहुंचा, जहां उसने पुलिस को बताया कि उसने दो मर्डर कर दिया है। पुलिस ने बताया कि लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। गुरुवार सुबह उसका एग्जाम था। पूनम के माँ बाप रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं। सुबह काम पर जाने से पहले पूनम को जगा कर गए थे। पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गुलशन पूनम पर शादी का दबाव बना रहा था। बार बार पूनम से कहता था कि वो शादी करेगा तो उसी से करेगा। वहीं गुलशन के थाने पहुंचने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां फर्श पर दोनों की लाश पड़ी हुई थी और खून बिखरा था। इसके बाद FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां जांच में सामने आया कि गुलशन पूनम से प्यार करता था और पूरे परिवार का जानकार था। पूनम के माता पिता ने ही गुलशन को उनके पास किराए का मकान दिया हुआ था। कोई मामला नहीं है, कोई लड़ाई दंगा नहीं है, और इनके बच्चों को सूते को काट दिया बताइए। कांट मारा है, कोई छुरी उरी से काटा बताया, कोई छुरी भी अंदर ही बताई, खुद ही जाके सिलेंडर हो गया वो। दोनों बच्चे कितने टाइम से रह रहे थे? चार साल से। और जो पड़ोस में गुलशन रहता है वो 5 साल से। किसी पहले कोई विवाद वगैरह? ना कुछ नहीं है सर। उम्र कितनी हुई? एक की तो है 16 साल लड़की की, तो और लड़के की है 19 साल।